दोस्तों नमस्कार, मैं राजनीत कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नए कृति के साथ। दोस्तों, भगवान कृष्ण राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं यमुना किनारे। भगवान कृष्ण और राधा, इनकी प्रेम कहानी एक अमर प्रेम कहानी। युगो युगो तक जब भी प्रेम का उदाहरण दिया जाएगा, वो उदाहरण राधा कृष्ण के प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अमर प्रेम कहानी है। इस प्रेम कहानी में हर संवेदना है, मिलन है, विचलन है, तड़प है, बालपन है, शरारत है, आखिर क्या नहीं है इसमें। बचपन का कौतूहल है, वृंदावन का रास है, सब कुछ है इस प्रेम कहानी में। इस प्रेम कहानी में एक सच्चा समर्पण है, एक अतृप्त अग्नि है, एक प्रेम की अग्नि जो दिल में धड़क रही हो। इस प्रेम कहानी में एक पवित्रता है, एक निश्चल मन है, एक निश्चल हृदय है। सो चलते हैं आज की कविता तरफ। आज कविता है यमुना किनारे। खो जाऊं तुम में बनके मैं प्रेम, खो जाऊं तुम में बनके मैं प्रेम, खो जाऊं तुम में बनके मैं प्रेम जैसे राधा कृष्ण की कहानी हो। खो जाऊं तुम में बनके मैं प्रेम जैसे राधा कृष्ण की कहानी हो। मैं मुरली बजाता कृष्ण कन्हैया, तुम मेरी प्यारी राधा रानी हो। खो जाऊं तुम में बनके मैं प्रेम जैसे राधा कृष्ण की कहानी हो। मैं मुरली बजाता कृष्ण कन्हैया, तुम मेरी प्यारी राधा रानी हो। चली आना तुम यमुना तीरे, चली आना तुम यमुना तीरे, चली आना तुम यमुना तीरे, हम मिलेंगे वहीं कदम के पास। चली आना तुम यमुना तीरे, हम मिलेंगे वहीं कदम के पास, जहां मोहन राधिका के संग रचाया करते थे वृंदावन रास। लोग भूलते नहीं है युगों तक, लोग भूलते नहीं है युगों तक, लोग भूलते नहीं है युगों तक अगर सच्ची प्रेम की लगन हो। लोग भूलते नहीं है युगों तक अगर सच्ची प्रेम की लगन हो। मन में हो एक सच्चा समर्पण और हृदय में एक अतृप्त अगन हो। चलो हम भी राधा गोविंद बन जाएं, चलो हम भी राधा गोविंद बन जाएं, चलो हम भी राधा गोविंद बन जाएं, एक मीठे रिश्ते की पावन गांठ संभाले। चलो हम भी राधा गोविंद बन जाएं, एक मीठे रिश्ते की पावन गांठ संभाले। खो जाएं एक दूजे के अस्तित्व में ऐसे, मन में छाए रहें बस प्रेम के उजाले। बड़ी संकरी है प्रीत की पगडंडी, बड़ी संकरी है प्रीत की पगडंडी, बड़ी संकरी है प्रीत की पगडंडी, मुझे चलना है इस पे उम्र भर संग तुम्हारे। बड़ी संकरी है प्रीत की पगडंडी, मुझे चलना है इस पे उम्र भर संग तुम्हारे। तुम राधा रानी मैं किशन कन्हैया, मिलेंगे वहीं यमुना किनारे। दोस्तों, ये मेरी कविता है। प्लीज मुझे बताइएगा आपको ये कविता कैसी लगी। इस कविता को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि अगली बार जब मैं नई कविता अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज बताइएगा राधा कृष्ण के प्रेम कहानी का, प्रेम लीलाओं का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा प्रेरक लगता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।